हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का रविदास जयंती का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बन रही है हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला जाता है। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन डॉट PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा PLP, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग जब इस पोस्टर के जी फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर नीचे के साइड में आएगा। तो मैं पिक्सल लैब में बनाई, तो चलो मैं पिक्सल लैब ओपन करता हूँ। पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रविदास जयंती ग्रुप पोस्टर फॉर PLP करके, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से रविदास जयंती का ग्रुप वाला ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 4 फ्रेम को ऐड किया हुआ है, तो इसमें मैंने एक फ्रेम में खुद का फ़ोटो ऐड किया हुआ है। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक दूसरा फ़ोटो इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टाइप करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको इस वाला ऑप्शन पे आना है, इनपुट पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करो तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को कोई सा भी एक PNG फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास PNG फोटो नहीं है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है PNG फोटो कैसे बनाएं, तो उसको जाकर आप देख कर PNG बना लेना। और फोटो यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटो को थोड़ा क्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो कि फ़ोटो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक वाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ करके इस फोटो को इस फ्रेम के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने इस फोटो को इस फ्रेम में ऐड कर लिया है। तो इस तरह से बारी बारी से इन सभी फ्रेम में अपने दोस्त का फोटो ऐड कर लेना है। पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद सेव करना है, तो ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, तो उस पर आपको क्लिक करते ही आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अगर आप लोग को इस पोस्टर को बॉर्डर लगाने नहीं आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है पोस्टर को बॉर्डर कैसे लगाए, तो उसको जाकर आपको देख लेना है। तो आई होप कैसे आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक।